रोहित ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला, तो कहीं ना कहीं आज रनों की बरसात होने वाली है, क्योंकि हमने देखा है जब रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी, पहला ओवर हरीश राव लेके आए हैं, सामने रोहित शर्मा है और सामने की तरफ रोहित ने खेला है। और देखिए पावर प्ले का पूरा फायदा रोहित शर्मा ने पहली बॉल पे उठाया सामने की तरफ, चार रनों के साथ करी है शुरुआत, डाउन द ग्राउंड बढ़िया शॉट। जी हाँ, मैंने कई बार यहाँ पे नोटिस किया है जब जब रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं और टॉस जीत के जब बल्लेबाजी करते हैं तो उस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। क्या ऐसा आज हो पाएगा? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन पहली बॉल में देखिए डाउन द ग्राउंड चौका लगाया रोहित शर्मा ने और अब हरीश राव क्या करेंगे ये भी देखना होगा। जी हाँ, दूसरी बॉल हरीश राव करेंगे, सामने है रोहित शर्मा, मुकाबला जीतना है, विकेट निकालने पड़ेंगे, लेकिन यॉर्कर बॉल को मिड विकेट की दिशा में ढकेला रोहित शर्मा ने और चौका बटोरेंगे एक और। लगातार दो बॉल पे दो चौके, बैक टू बैक फोर फॉर ऑफ द रोहित शर्मा। जी हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है और देखिए रोहित शर्मा बिल्कुल बॉल को देखकर खेल रहे हैं, बिल्कुल यॉर्कर बॉल को कलाइयों के सहारे मिड विकेट की दिशा पे ढकेला और चौका बटोरा है। यहाँ हरीश राव थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, इनको लेंथ में परिवर्तन करना पड़ेगा। तीसरी बॉल करी जाएगी और यहाँ पे बड़ा शॉट और ये लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा है करारा प्रहार। रोहित शर्मा ने दो चौकों के बाद अब जड़ दिया है एक छक्का। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी है और मैं बोल रहा हूँ रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो फिर आग उगलता है। और जो लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, डॉक्टर स्वामी जी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, चौथी बॉल हरीश राव करेंगे और किस प्रकार से करेंगे ये देखना होगा। इस बार भी फुल टॉस और इस बार भी बड़ा शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से, आखिरकार रोहित का बल्ला इस मुकाबले में चल पड़ा है। और आप आगे आगे देखिए होता है क्या, हरीश राव पहला ओवर लेके आए थे, पूछा होगा कि पहले ओवर में कुछ विकेट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे लगातार महंगे साबित हो रहे हैं और अब यहाँ से अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं करी गई तो फिर भारतीय बल्लेबाजों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ चार बॉल हो चुकी है, 20 रन हो गए हैं भारतीय टीम के, लेकिन दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से अपील करूँगा, एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस महामुकाबले को देखने के लिए। यहाँ पाँचवीं बॉल हरीश राव करेंगे, सामने है रोहित शर्मा, मौका भी है दस्तूर भी है, बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, बड़ा शॉट रोहित के बल्ले से और एक और छक्का और बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है भारतीय टीम। पहला ही ओवर चल रहा है, 26 रन आ गए हैं, रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में चारों तरफ चौके छक्के जड़ रहे हैं इस महामुकाबले में। जी हाँ, मुकाबला जब पाकिस्तान और भारत का हो और इस प्रकार से बल्लेबाजी हो तो आप समझ जाइए रोमांच बहुत भरपूर आने वाला है इस मुकाबले में। हरीश राव अंतिम बॉल करेंगे अपने पहले ओवर की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बॉल रहेगी, यहाँ पे आउट करना होगा रोहित को, बिना आउट करे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इस बार यॉर्कर लेंथ में माफ करेगा, यहाँ पे यॉर्कर लेंथ करी गई थी हरीश राव के द्वारा और आगे बढ़ के डिफेंसिव शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से। अक्सर हम ऐसा देखते नहीं हैं लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी रोहित ने। और अब ये लीजिए एसएसबी जसबाल तैयार हैं बल्लेबाजी के लिए, पिछले कुछ समय से ज़्यादा अच्छी पारी खेल नहीं पा रहे और सहीन शाह अफरीदी नए गेंदबाज आए हैं सामने, एसएसबी जसबाल किस प्रकार से खेलेंगे। और हमने देखा है सहीन शाह अफरीदी को अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन क्या इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे? जी हाँ, दूसरे ओवर की पहली बॉल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर, लेकिन फील्डर दर्शक बन के रह जाएंगे इस मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत करते हुए। जी हाँ, कहीं ना कहीं कमाल की शुरुआत एसएसबी जसबाल की, पहली बॉल पे छक्का। जी हाँ, पिछले कुछ समय से इनका बल्ला चल नहीं रहा लेकिन आज इन्होंने छक्के के साथ करी है शुरुआत।
और देखिए भारतीय टीम का स्कोर 32 रन 0 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से चौके छक्के आते रहे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा इनके लिए। यहाँ दूसरी बॉल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और एक रन के साथ यहाँ पे स्ट्राइक पे पहुँच गए हैं रोहित शर्मा, जो कि 6 बॉलों में 26 रन बना कर रहे हैं बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से एक बार अनुरोध करूँगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम लिया जाएगा। कुछ लोग हमें निरंतरता के साथ देखते हैं, अजय गुप्ता जी, विनोद कुमार जी, डॉक्टर स्वामी जी राजस्थान से, बीकानेर से, जो लोग लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी बॉल अब करी जाएगी, दूसरे ओवर की, 33 रन सामने रोहित हैं। और देखिए रोहित आज जिस प्रकार से खेल रहे हैं, ओ आगे बढ़कर खेला, लेकिन लेग साइड पे गेंदबाजी, मुझे लगता है ये वाइड होगी। जी हाँ, एम्पायर का अच्छा निर्णय, यहाँ पे एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जुड़ता हुआ। जी हाँ, यहाँ पे एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट की इस रणभूमि में, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी। और ये लीजिए सामने की तरफ फुल टॉस बॉल में रोहित शर्मा ने जड़ दिया है बेहतरीन शॉट, 142 मीटर का छक्का। और ये छक्का बहुत ही लाजवाब तरीके से रोहित शर्मा ने लगाया है। और देखिए अभी तो दिग्गज बल्लेबाजों का आना बाकी है, विराट कोहली, रिंकू सिंह। जी हाँ, और ये ऐसे बल्लेबाज हैं खबरतोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये भी इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा अपना फेवरेट शॉट खेलेंगे, पुल शॉट लगाएंगे उसको लेग की दिशा पे। और देखिए 84 मीटर का छक्का जड़ दिया है रोहित शर्मा ने। इतनी खूबसूरती से बल्लेबाजी रोहित शर्मा के दौरा में देखने को मिलती है इस महा मुकाबले में। बेहतरीन प्रदर्शन, लाजवाब बल्लेबाजी रोहित शर्मा के दौरा, क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिल जीता है। यहाँ पे 5वीं बॉल दूसरे ओवर की, सैंसा अफरीदी लगातार महंगे साबित, और इस बार बैक फुट पे जाके पंच कर दिया है। और देखिए डीप थर्ड मैन और डीप पॉइंट के बीच में से एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहित शर्मा की, और बहुत ज़्यादा करीब अब पहुंच गए अपने 50 रनों के। जी हाँ दोस्तों, एक बार रोहित शर्मा के लिए लाइक कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, और भारतीय टीम का तिरंगा झुकना नहीं चाहिए इस महा मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारतीय टीम की। और देखिए 50 रन बना लिए हैं 0 विकेट के नुकसान पे, और आप सोचिए किस तरीके से आज बल्लेबाजी भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ दूसरा ओवर चल रहा है, आप सोच लीजिए कहाँ पहुँचेगा स्कोर। इस बार आगे बढ़कर खेला और ये आउट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी मामला, एम्पायर थर्ड एम्पायर की तरफ गए हैं, मुझे तो लग रहा आउट है। या मुझे ऐसा लग रहा है मानो पहुँच नहीं पाए हैं SSB जसवाल, और थर्ड एम्पायर की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा करीबी मामला है यहाँ, बहुत ज़्यादा करीबी मामला। पर ये लीजिए आउट हो गए हैं, थोड़ी सी गलती। और देखिए जब आपके साथ भाग्य का साथ ना हो तो समझ जाइए इस प्रकार की गलती होना स्वाभाविक बात है। उस समय से SSB जसवाल की किस्मत बहुत ख़राब चल रही है। पर ये लीजिए विराट कोहली आ गए हैं, नसीम शाह करेंगे गेंदबाजी, और अभी तो सिर्फ 2 ओवर हुए हैं। और देखिए तीसरा ओवर नसीम शाह लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। रोहित शर्मा हमेशा की तरह एक बार फिर से सामने की तरफ लगाएंगे बड़ा शॉट और प्राप्त करेंगे एक और छक्का, बढ़िया बल्लेबाजी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा, ताबड़तोड़ अंदाज में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी खूबसूरती से बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो 125 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया है। और देखिए 50 रन के काफ़ी करीब हैं, एक बार जब रोहित शर्मा 50 लगाएंगे तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे सभी लोग। क्या यहां पे लगा पाएंगे ये अभी सवाल रहेगा, क्योंकि नसीम शाह एक ऐसा गेंदबाज है। तो ये देखिए बैकफुट पे जाके अच्छा शॉट, चौके के साथ अपने 50 रन पूरे करेंगे। और दोस्तों स्वागत कर दीजिए रोहित शर्मा का, भारतीय कप्तान का,
जबरदस्त अंदाज में आज 50 रनों की पारी खेली है। एक लाइक तो बनता है भारतीय कप्तान के लिए, भारतीय टीम के लिए, अपना नाम लिख दें। जी हाँ, 60 रन हो गए हैं भारतीय टीम के एक विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चलता हुआ लगातार, और अब यहाँ से मैं देखना चाहूँगा नसीम साहब क्या करेंगे, किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पिछली दो बॉलों पे 10 रन बना दिए हैं रोहित शर्मा ने। जी हाँ, और अब तीसरी बॉल करी जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल होने वाली है। ये देखिए यॉर्कर बॉल, बहुत अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग। इसी प्रकार से अगर पाकिस्तान के फील्डर्स फील्डिंग करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पे रनों पे अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी। लेकिन यहाँ पे इसी प्रकार से फील्डिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए विराट कोहली ये स्ट्राइक पे पहुँच गए हैं। जी हाँ, अच्छी यहाँ पे फील्डिंग करी गई है, रनों को रोका गया है, और अगर यहाँ पे बॉल सही समय पे हाथ में आती तो रन आउट का मौका भी बन सकता था। और अब देखिए मैं समझूंगा कि विराट कोहली किस प्रकार से खेलेंगे। ओ ये लीजिए बड़ा शॉट किंग कोहली के बल्ले से, छक्के के साथ करी है शुरुआत दी तड़मेन में, बहुत ही लंबा छक्का विराट के बल्ले से। और देखिए विराट वो शख्सियत हैं इस प्रकार से बड़े और लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर से हमें बहुत ही बड़ा और अविश्वसनीय शॉट विराट के बल्ले से देखने को मिला है। और देखिए लगातार भारतीय टीम ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, हालांकि इस ओवर में ज़्यादा रन आए नहीं हैं, लेकिन अभी भी दो बॉल बची हैं, 67 रन एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल करी जाएगी, सामने विराट कोहली हैं, और ये देखिए दबाव साफ तौर पे नज़र आता हुआ गेंदबाज के ऊपर, एक और वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज अगर आपके सामने हो, दबाव होना स्वाभाविक बात है। अब देखना होगा विराट कोहली, बड़ा शॉट और साथ में ये नो बॉल है। आप देखिए इतनी बड़ी गलतियां आप पाकिस्तान के गेंदबाज अगर करेंगे तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। और जो लोग भी पाकिस्तान से देख रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। पर 5वीं बॉल एक बार फिर से नसीम साहब करेंगे, हालांकि इस बार ये जो बॉल है, ओ ये क्या करना चाह रहे थे विराट कोहली, समझ के थोड़े से परे, क्रिएट बॉल थी, फ़ायदा उठा सकते थे लेकिन उठा नहीं पाए। और अब अंतिम बॉल, यहाँ 75 रन हालांकि भारतीय टीम ने बना लिए हैं, पर विराट कोहली क्या करेंगे। अंतिम बॉल, और ये लीजिए नसीम सा कमाल की गेंदबाजी, विराट कोहली ऑफ स्टंप को खाड़ फेंका है, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी, गजब का बोल्ड विराट कोहली को किया है। और विराट कोहली 4 बॉलों में 12 रन बना के पवेलियन जाते नजर आएंगे। अब देखना होगा रोहित शर्मा किस प्रकार से खेल दिखाते हैं बचे हुए 2 ओवरों में। रिंकू सिंह, जी हाँ, रिंकू सिंह एक ऐसा नाम है क्रिकेट जगत में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, कमाया है, और शादाब खान आ गए हैं 4th ओवर लेके, सामने रहेंगे रोहित शर्मा। पहली बॉल सुचेट, लेकिन यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथों में, अचानक से पाकिस्तान ने वापसी कर ली है इस मुकाबले में। और देखिए लगातार 2 विकेट आ गए हैं पाकिस्तान के लिए, पिछला विकेट यहाँ पे पिछले ओवर की अंतिम बॉल पे आया था और इस बार पहली ही बॉल पे। और देखिए फखर जमाल का कमाल का कैच, रोहित शर्मा 53 रन की शानदार पारी खेल के पवेलियन जाते नजर आएंगे। और भारतीय टीम यहाँ पे लड़खड़ाती नज़र आ रही है, एक समय पे ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन अब विकेट से ज़्यादा हाथ में नहीं है। शिवम दुबे किस प्रकार से खेलेंगे, ये देखिए ऑफ साइड पे ढकेला है, प्यार से खेला गया ये शॉट, चौका देके जाएगी शिवम दुबे को। जी हाँ, कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा ने इशारा कर दिया है, विकेट भले ही अंतिम जोड़ी हो, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही करनी है भारतीय टीम को। शिवम दुबे के बल्ले से एक बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला है। 4th ओवर लगातार प्रगति पे है, आप लोगों से लगातार अनुरोध करूंगा एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार शुक्रिया। यहाँ चौथे ओवर की तीसरी बॉल करी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल है ये। यहाँ इस बार हवा में है शॉट और 6 रन। दीपम दुबे अभी अभी तो आए हैं लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए शिवम दुबे के साथ रिंकू सिंह भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। दोनों के पास बड़े शॉट लगाने की क्षमता है और उस क्षमता का भरपूर उपयोग भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। शादाब खान राइट आर्म रिस्ट स्पिनर 3 बॉल कर चुके हैं, 10 रन दे चुके हैं और कप्तान रोहित शर्मा का विकेट इन्होंने चुराया है। यहाँ चौथे ओवर की चौथी बॉल करेंगे शादाब खान, लेकिन यहाँ पे देखिए भारतीय टीम ने 85 रन बना लिए हैं, अभी भी मौका है, बड़ा स्कोर अभी भी बनाया जा सकता है। जी हाँ चौथी बॉल करेंगे शादाब खान, सामने शिवम दुबे है, लगभग 25 की औसत से रन बन रहे हैं भारतीय टीम के। और ये लीजिए एक और बड़ा शॉट नीचे फील्डर, लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे जिस प्रकार से शॉट को खेला गया है। बढ़िया बल्लेबाजी, कमाल का ये शॉट, भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी यहाँ पे भारतीय टीम के बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिलती हुई इस महामुकाबले में। और देखिए ये भी बेहतरीन शॉट है, ये भी 6 रन है। बाबर आजम आ गए हैं बॉलर के पास, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, अगर सोच रहे होंगे एक और विकेट मिल जाए तो भारतीय टीम बैकफुट पे आ जाएगी। जी हाँ मैं भी समझता हूँ अगर विकेट आता है तो निश्चित ही भारतीय टीम बैकफुट पे आ जाएगी। शादाब खान तैयार हैं, 5वीं बॉल करेंगे, लेकिन आज दिल जीता है जिस प्रकार से बल्लेबाजी करी है। इस बार देखिए अच्छा शॉट खेला था शिवम दुबे ने रिवर्स स्वीप, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन मिलेगा। और अब कहीं ना कहीं रूम ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। चौथे ओवर की अंतिम बॉल करी जाएगी, सामने है रिंकू सिंह। यहाँ रिंकू सिंह क्या करेंगे, जी हाँ बड़ा शॉट रिंकू सिंह अंतिम बॉल पे चौथे ओवर की ही, और छक्का जड़ा है। जी हाँ 98 रन 4 ओवर में बना लिए हैं भारतीय टीम ने। कम से कम अगर 25 रन भी अंतिम ओवर में आते हैं तो 124 रन का टारगेट रहेगा यहाँ पे, माफ करेगा 123 रन का। हसन अली आए हैं अंतिम ओवर लेके, सामने शिवम दुबे हैं, 4 बॉलों में 17 बना चुके हैं। हालांकि मैं तारीफ करूंगा रिंकू सिंह ने पहली ही बॉल में छक्का जड़ के जिस प्रकार से खेल दिखाया, लेकिन इस बार हवा में है और ये लीजिए कैच छोड़ा गया है पाकिस्तान के फील्डर द्वारा, एक बार फिर से खराब फील्डिंग। जी हाँ अच्छी फील्डिंग भी हमें देखने को मिली है, लेकिन इस बार बहुत ही खराब फील्डिंग, और यही कारण है कि शिवम दुबे अभी भी क्रीज पे मौजूद है। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं भारत बनाम पाकिस्तान के बीच इसी प्रकार से पूरी सीरीज देखना, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं आप सभी से अनुरोध करूंगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। 5वें ओवर की दूसरी बॉल करी जाएगी, सामने है रिंकू सिंह। आज तो रिंकू सिंह का बल्ला बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, छक्का जड़ेंगे और 105 रन पूरे कर लिए हैं भारतीय टीम ने, और जिसमें रिंकू सिंह ने 2 बॉलों पे 2 छक्के जड़ के एक बार फिर से दिखा दिया है कि ये बल्लेबाज कुछ खास है। अपने सर का रोल अदा करते हैं, भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, खूबसूरती से शॉट्स लगाते हुए। यहाँ 5वां ओवर लगातार चलता हुआ, 2 बॉल हुई हैं। हसन अली अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन रिंकू सिंह कोई कम बल्लेबाज नहीं है, अपने सर का रोल अदा करते हैं, भरपूर अंदाज में शॉट लगाते हैं। इस बार फुल शॉट, बल्ले के बीचों बीच आई है बॉल और भेजा स्टैंड में, एक और छक्का रिंकू के बल्ले से। दोस्तों एक लाइक तो बनता है रिंकू सिंह के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय देश के लिए, और अपना नाम लिख दे कमेंट में आप कहां से देख रहे हैं, और कमेंट में जय हिंद लिख दे भारतीय टीम के लिए। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले में 5वां ओवर चलता हुआ, 3 बॉल बची हैं। हसन अली राइट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं, भारतीय टीम ने 111 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। और अब मैं देखना चाहूँगा चौथी बॉल पे रिंकू सिंह क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल होगी।
यहाँ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कनेक्शन बना नहीं, नीचे फील्डर, लेकिन बॉल में इतनी लंबाई थी कि फील्डर पहुंच नहीं पाया बॉल के पास। और एक और चौका, और ये पहला चौका है रिंकू के बल्ले से। बाबर आजम गेंदबाज से कर रहे हैं बातचीत, सोच रहे होंगे अंतिम की दो बॉलों पे रिंकू सिंह को किस प्रकार से रोका जाए, पर एक बार जरूर नज़र डालेंगे पिछले शॉट पे। ये देखिए हवा में थी बॉल, नीचे फील्डर थे लेकिन काफ़ी दूर गिरी, अगर थोड़ी सी और टाइमिंग होती तो निश्चित ही ये छक्का हो सकता था। यहाँ दोस्तों आप सभी से लगातार अनुरोध करूँगा, जो लोग YouTube पे इस महा मुकाबले को देख रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, एक बार लाइक कर दीजिए। पांचवी ओवर की पांचवी बॉल करी जाएगी सामने रिंकू सिंह, एक बार फिर से पुल करेंगे डीप थर्डमैन और डीप पॉइंट के बीच में से एक और छक्का जड़ेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रिंकू सिंह की, जबरदस्त अंदाज में आज खेल दिखाते हुए कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं रिंकू सिंह, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और अब अंतिम बॉल पांचवे ओवर की बहुत ही महत्वपूर्ण डिलीवरी रहेगी, और अंतिम बॉल पे भी बड़ा शॉट चढ़ेंगे। तो देखिए बहुत बड़ा स्कोर बना दिया है भारतीय टीम ने 127 रन, पर अब पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 128 रन। क्या पाकिस्तान की टीम बना पाएगी? जी हाँ, आज बिल्कुल इतना आसान होने वाला नहीं है। तो देखिए आज कमाल की बल्लेबाजी रिंकू सिंह शिवम दुबे ने करी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ भारतीय टीम की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की भी बल्लेबाजी देखना तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें।